दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं प्लेस्टर जो पेंडिंग प्रॉब्लम होता है वो कैसे सॉल्व करेंगे। आप बहुत ज़्यादातर देखा होगा प्लेस्टर बहुत बंदे का कभी कभी क्या होता है, वो घूमता जाता है, मगर इंटरनेट है, इंटरनेट का जो सिंबल वो भी है, साफ है, मगर पेंडिंग दिखा रहा है। वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसमें, ज़्यादातर अगर प्लेस्टर ज़्यादा दिन से चल रहा है उसको कैचे भर जाता है, कैचे फाइल हो जाता है, इसीलिए और दूसरे दूसरे कारण से वो प्रॉब्लम दिखाता है। वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखेंगे। देखो, मैं अभी एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, PDF। देखो, छोटा सा एप्लीकेशन है, उसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। देखो देखो, अभी पे पेंडिंग लिख रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऊपर इंटरनेट भी है, सब कुछ है, मगर पेंडिंग दिखा रहा है। वो पेंडिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी तक वो दिखा रहा है, ठीक है। देखो, इसके लिए पहले क्या करना पड़ा, इसको पूरा बैक कर दो। बैक करने के बाद ये जो प्ले स्टोर है ना, वो एप्लीकेशन को थोड़ा उंगली पे दबा के रखो। दबा के रखने के बाद इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप आने के बाद जिधर लिखा है ऐप इन्फो, वो ऐप इन्फो पे क्लिक करो। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद इधर स्टोरेज आ जाएगा, स्टोरेज पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका देखो इधर टोटल डिटेल्स आ जाएगा एप्लीकेशन के अंदर का सेटिंग का जो है। आप क्या करेगी, नीचे क्लियर कैचे और क्लियर डाटा, आप ऑल क्लियर डाटा पे क्लिक कर दो। ऑल क्लियर डाटा पे क्लिक कर दो। देखो, मैंने ऑल क्लियर डाटा पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो, क्लिक नहीं किया, क्लिक करूँगा, पहले पढ़ दो आदि आप अपनी डाटा वो डिटेक्ट परमानेंटली, इसको जो भी है परमानेंटली डिलीट कर दो। आपका जो जीमेल आईडी है ना, वो भी डिलीट हो जाएगा। देखो, पूरा डिलीट हो गया। होने के बाद जिधर देखो, जिसका आप जो ऑटो सिग्नेचर होगा वो मारते ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन का जो प्ले स्टोर है ना, वो ऑटो ऐड हो जाएगा आपका जीमेल। जिसका नहीं है वो आपका जीमेल उधर दे दो, प्ले स्टोर में जीमेल दे दो। देखो, मैंने अभी आप दिखाने के लिए ऑटो आप सिग्नेचर कर दिया था, इसलिए आप क्या करोगी, ऑटो आप सिग्नेचर कर दो गूगल पे जाके, नहीं तो आप इधर जीमेल आईडी और पासवर्ड देके आ जाओ। ये आपका हो गया पहला सेटिंग। फिर दूसरा सेटिंग बोलूँगा आगे। देखो, आप क्या करोगी, बैक कर दो। आप ये देखो, अपने प्रोफाइल का जो फोटो है ना, और फोटो के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इधर सेटिंग आ जाएगा। सेटिंग आने के बाद फिर सेटिंग पे क्लिक करो। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर आ जाओ नेटवर्क प्रेफरेंस, नेटवर्क प्रेफरेंस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप देखो, ये तीन है इधर ऑप्शन, उसको चेकिंग करना है कि इधर सही है कि या नहीं है। पहले देखो ऑटो पे, देखो इसको ऑटो पे वीडियो, इसको डू नॉट ऑटो पे वीडियो, मेरा भी अभी सही है, डू नॉट ऑटो पे वीडियो भी इसको रख दो। फिर आ जाओ ऑटो अपडेट ऐप, ऑटो अपडेट ऐप्स, उसको डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप उसमें रख के मेरा देखो किसका वाईफाई होगा, किसका डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप में होगा। आप सीधा डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप रख के डन पे क्लिक कर दो। फिर आ जाए ये, और ये जो तीसरा वाला है सबसे इम्पोर्टेंट, इसके लिए ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, आप डाउनलोड प्रेफरेंस। आप डाउनलोड प्रेफरेंस देखो, ये क्या लिखा है, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली, आस्क मी फर्स्ट। आप क्या करना है, ओवर एनी नेटवर्क पे रखना है सबसे ऊपर वाला। हाँ, ओवर एनी नेटवर्क पे रखेंगे, क्यों रखेंगे, देखो अगर जिसका वाईफाई होगा ओवर वाईफाई ओनली रखेगा,
जिसका चाहता है वाईफाई पे चलेगा, नहीं तो इंटरनेट पे चलेगा। इधर ऊपर ऊपर में रख लो, जो कोई भी आपका अवेलेबल होगा, वाईफाई हो या इंटरनेट हो, वो उसी में ही चलेगा। सबसे ऊपर ओवर एनी नेटवर्क उसको अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद हो जाएगा। इसके बाद नहीं तो आस्क भी एवरी टाइम इसको भी रख सकते हो, मगर ओवर एनी नेटवर्क रखेंगे आपका इंटरनेट डाटा भी चलेगा और वाईफाई डाटा भी चलेगा। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है डन पे क्लिक कर दो। डन पे क्लिक कर देने के आ जाओ, ठीक है टेस्ट कर देंगे। एक पीडीएफ फाइल मारा था, अभी देखते हैं। देखो आपके सामने देखो हो गया। अभी कैंसिल कर दो, ये ज़रूरत नहीं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखो कितना जल्दी हो गया। बस इसी प्रॉब्लम से, इसी कारण से वो ऐसे हो रहा था। आप अगर चेकिंग कर लेना, आपका अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और एक बात बोलूँगा, चैनल सब्सक्राइब फ्री में होता है, प्लीज सब्सक्राइब फ्री में करो। मैं जब भी टेक वीडियो डालूँगा आप देख सकोगी। थैंक यू।